क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे। तुम्हें पता है आज कारोबार में पूरे 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख करोड़ शुक्र है। बस अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। नदीम, आप मेहनत भी तो इतनी ज्यादा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखो, कारोबार को वक्त भी भरपूर देना पड़ता है और मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, तब जाके कारोबार संभलता है। ये तो है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्या, मगर कैसे? अच्छा रखो, फोन में आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, स्टोर को आग लग गई है, सब बर्बाद हो गया है। क्या? ओ मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? उसकी नजर लग गई हमें। इसीलिए मैं कहती थी कि नदीम को पैसे देने से पहले कागजात बनवा लेने चाहिए थे आपको। आपने बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए इतनी बड़ी रकम नदीम के हवाले कर दी। अरे मुझे क्या पता था कि वो यूं अपने वादे से फिर जाएगा। मैंने तो उसकी जबान पे एतबार किया था। हम मुसलमान के लिए उसकी जबान की बड़ी अहमियत होती है। वो तो मेरा सगा भाई है। भाई? अरे रहने दे, पैसा ऐसी चीज है कि भाई सगे भाई का दुश्मन बन जाता है। आपके सामने देख ले, आपने नदीम के साथ क्या किया? हमेशा उसका बुरे वक्त में साथ दिया और उसने आपके बुरे वक्त में धोखा दिया आपको। अरे ये उसकी कम अकली है, वो अपने भाई की मोहब्बत पर पैसों को फौकिया दे रहा है। मुझे तो लगता है कम अकल वो नहीं, आप हैं। उसने अच्छा खासा बेवकूफ बनाया आपको। देखें सिकंदर, उसका जो भी हक बनता था ना, आपने चुपचाप ईमानदारी से उसके हाथ पे रख दिया। अब इस घर में उसका कोई हक नहीं। अरे जानता हूँ, सब जानता हूँ, सिर्फ मेरी मजबूरी से फायदा उठा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत जो नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई तो हम कर नहीं सकते। मकान तो हमें बेचना पड़ेगा, कभी कागजात पे दस्तखत नहीं करेगा, ना ही ये मकान मेरे नाम होगा। मेरे खुदा,